जय हिंद एस्पिरेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द हैबिट्स विच रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफन फॉलो। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CDSE 2022 का ऑनलाइन बैच के एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। बैच 20 मई से स्टार्ट होगा, एनरोलमेंट आज से शुरू है। ये एक 100-day प्रोग्राम रहेगा जिसमें इंग्लिश और GK के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, मैथमेटिक्स नहीं होगा। 9 शेड्यूल 10 डेज के आपके लिए बनाए जाएंगे। हर शेड्यूल में 3 से 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। देयर विल बी क्विजेस, आपको रिटन नोट्स दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट टीम की प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे। एंड द फी कैन बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। द फी इज 3000 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 100 डेज। आर्म फोर्सेस को ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो अनपैरेलल्ड मेटल दिखा सकें, क्विक विट दिखा सकें, सोल्जरली डिमेन्योर दिखा सकें, कंक्रीट डिटर्मिनेशन दिखा सकें और ऐसा सोशल इंटेलिजेंस दिखा सकें जिससे वो बाकी नॉर्मल लोगों से अलग दिख सके। कोई भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज यानी कि OLQs के साथ में पैदा नहीं होता है, लेकिन टाइम के साथ ही साथ वो क्वालिटीज हम अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट कर लेते हैं, डाल लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्शंस करने के बाद, एक लाइफस्टाइल चूज करने के बाद में किस तरह का एनवायरमेंट हमें मिला है अपने आसपास ग्रोथ के लिए। एसेसर्स ऐसे कैंडिडेट को देख रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहती हो, अलग अलग सिचुएशंस में आने के बाद भी उनके सबकॉन्शियस रिस्पॉन्सेज एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफ मेंटल स्ट्रेस में भी सेम रहे। सो व्हाट एग्जैक्टली दे डू, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट थिंग्स एंड रूटीन। सोल्जर्स के अंदर एक हैबिट होती है हर चीज का रिटन रिकॉर्ड रखने की, ये आर्मी में हैबिट आपको डाली जाती है। ये जो सिस्टम होता है ना मेंटेनिंग द रिटन रिकॉर्ड, इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। ये आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है और अब आपको बताता है कि आपने कितनी ग्रोथ की है। आपको नॉलेज मिलती है कि आपने कौन कौन से टास्क किए हैं, कौन से पेंडिंग है, कौन से इनकम्प्लीट हैं और आप आगे अपने टास्क को प्लान कर सकते हो। सेकेंड इज लुक फॉर सस्टेनेबल मोटिवेशन। जब हम मोटिवेशन देखते हैं मूवीज के थ्रू, एक्टर्स के थ्रू या फिर ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं बुक्स वगैरह के थ्रू, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। मोटिवेशन हमेशा अंदर से आना चाहिए, आपके अंदर ही वो एक आग लगनी चाहिए। एंड रिमेंबर, डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। द थर्ड इज माइंडसेट प्रायर टू SSB। आपका जो भी सेल्फ बिलीफ है, जो कॉन्फिडेंस है, वो अगर लैक करता है तो आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा। The manifestation of this outlook is in efforts made to find out as what exactly SSB wants from me. हम में से मैक्सिमम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करने में कि what exactly SSB wants from me. लेकिन जो कैंडिडेट्स फोकस अपना पुट करते हैं साइकोलॉजी टेस्ट प्रैक्टिस करने में, खासकर स्टोरीज में, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मोड में रहते हैं। दे आर ट्राइंग टू सीक द आइडियल आंसर्स टू रूटीन क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ठीक है, आपको उनको रिवाइज करते रहना है और उनका एक फिल्टर्ड आउट करके एक पीक एपिटोम वाला आंसर आपको रखना है अपने लिए। लर्न टू बी अ स्कॉलर वॉरियर। स्मार्ट, वाइज, डम, हर तरह के ऑफिसर्स आपको मिलेंगे हिस्ट्री में और करंट भी। आप कई लोगों से मिले भी होंगे और आपको देख के लगता होगा यार ये ऑफिसर कैसे बन गया। ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे कि ऑफिसर्स की एक क्वालिटीज उनको IMA या फिर जिस भी एकेडमी में वो हो, वो एक क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती है, दैट इज कि भाई पढ़ना है, जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ना है। कई बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर एकेडमी में जाने के बाद ही पढ़ना पड़ेगा, भाई उस टाइम तो आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक गुड ऑफिसर कोई भी होता है वो अपने अपोनेंट के बारे में पढ़ता है, अलग अलग ऑफिसर्स के मेमोरीज के बारे में पढ़ता है, इनमी के बारे में पढ़ता है, काफी थोरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है अपने दिमाग में उनकी साइक के बारे में। तो ये चीज आपके ऊपर भी लागू है। आप भी जब किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, SSB के लिए जा रहे हो, तो एक थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वॉट एग्जैक्टली दिस एग्जाम वॉन्ट फ्रॉम मी। इससे क्या होता है कि दिमाग में फ्रेश और रॉ आइडियाज आते हैं। ठीक है, आप डिलीवर अच्छे तरीके से कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो जो डिलीवरी होगी वो आपकी खुद की अपनी होगी, किसी की कॉपीड नहीं होगी। द नेक्स्ट इज राइट फिट। SSB जो है वो राइट फिट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेस्ट फिट के प्रिंसिपल पे नहीं है। ठीक है, कोई बंदा भले ही IIT से आया हो लेकिन आप उसके सामने एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं और उस बंदे ने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं किया, डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं की, बल्कि आपने की है, आप ज्यादा राइट फिट इस जॉब के लिए। जरूरी नहीं कि वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है तो भैया उसको लिया जाएगा, नहीं। इफ यू आर राइट फिट देन यू विल बी रिकमेंडेड। इफ अ पर्सन इज नॉट सिलेक्टेड एन SSB दैट डज नॉट मीन दैट देयर अ फेलियर। कोई फेलियर नहीं हो लाइफ में, मैं भी नहीं हूं, मैं 11 बार SSB दे चुका हूं, आई एम नॉट अ फेलियर।
ठीक है, राधा इट जस्ट मीन्स दैट द पर्सन इज नॉट फिट फॉर द आर्म फोर्सेज लाइफ. इट मे बी पॉसिबल कि उन लोगों को लगा होगा, एसएसबी बोर्ड को लगा होगा कि आई एम नॉट फिट फॉर द आर्मी जॉब. हालांकि मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ, लेकिन उनको नहीं लगा होगा. सो दैट इज अ डिफरेंट. यू विल हैव टू कैरी दिस पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि शेयर हमेशा तैयार है.